एक लालची शख्स के बारे में एक अल्लाह के वली बयान फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसके घर में एक सोने का अंडा देने वाला सांप रहा करता था जो कि रोज़ सोने का अंडा दिया करता था। तो जो साहिब मकान था वो रोज़ उसके बिल के पास जाता और सोने का अंडा लेता और वापस चला आता। उसने अपने घर पे बता रखा था कि किसी भी इंसान को इसके बारे में बताना नहीं है कि हमारे घर में सोने का अंडा देने वाला सांप है। इसने किसी को भी बताया नहीं, रोज़ जाता अंडा लेता और वापस चला आता। गांव बस्ती में बहुत ज़्यादा मालदार हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि सांप अपने बिल से बाहर निकला और जब बिल से बाहर निकला तो उसने बकरी को देखा और बकरी को डस लिया। जब बकरी को उसने काटा तो उस सांप का जहर इतना तेज़ था कि उसने जैसे ही काटा बकरी मर गई। अब जब इसको पता चला कि सांप ने बकरी को डस लिया तो इसको करना ये चाहिए था कि सांप को फौरन मार देता, लेकिन वही है अल्लाह के बली बयान फरमाते हैं कि वो लालची शख्स था, उसे सांप से फ़ायदा हो रहा था, रोज़ उसको अंडा मिल रहा था, तो उसने सोचा कि सांप हमको अंडा दे रहा है, इसकी वजह से हम मालदार हैं, तो अगर हमने सांप को मार दिया तो ये अंडा देना बंद कर देगा, ये अंडा हमको नहीं मिल पाएगा, ये मर जाएगा। तो उसने सोचा कि बकरी को डस लिया कोई बात नहीं है, जानवर था मर गया, लेकिन इसको ये नहीं मालूम था कि एक दिन ये जो सांप है हमारे ही बीवी बच्चों को डसेगा, हमको भी डसेगा, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। फिर ये रोज़ जाता अंडा लेता चला आता। फिर एक साल तक फिर यही काम इसका जारी रहा, अंडा लाता और उसको बेचता सोने के जो भी भाव चलते थे। अब एक दिन फिर वही सांप बाहर निकला और निकलने के बाद उसने गधे को देखा और गधे को डस लिया। जब इसके गधे को डसा तो गधा फौरन मर गया क्योंकि इसका जहर जो था बहुत तेज़ था। जब गधा मर गया तो इससे जब खबर हुई बहुत परेशान हुआ और फिर सोचने लगा, फिर सोच में पड़ गया। अब की तो इसे चाहिए था कि फौरन ही कत्ल कर देता, सांप को मार देता, लेकिन ये लालची इंसान फिर सोचने लगा। इसने गधे और बकरी को भुला दिया और फिर अंडा हासिल करने लगा। दो साल तक सांप अंडा देता रहा और फिर दो साल के बाद वो बिल से बाहर निकला। फिर इसके बेटे को डस लिया। जब इसके बेटे को डसा तो वो चिल्लाने लगा कि बाबा मुझे बचाओ बचाओ। तो ये भागता हुआ आया, तबीबों को बुला कर लाया, लेकिन किसी ने उसका इलाज नहीं कर पाया, वो मर गया। अब तो इसे चाहिए था कि वो उसे कत्ल कर देता क्योंकि अब उसके बेटे को डस लिया, लेकिन उसके दिल में लालच भरी हुई थी और लालच बहुत बुरी बला होती है। लालची इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, लालची इंसान हमेशा हलाक ही होता है। तो वो अल्लाह के वली बयान फरमाते हैं कि उसने जो है फिर सोचना शुरू कर दिया कि अब तो मेरा बेटा चला गया, वापस थोड़ी ना आएगा, और सांप को अगर मार देंगे तो अंडा जो मिल रहा है सोने का वो फिर नहीं मिलेगा और फिर मैं गरीब हो जाऊंगा। तो इस लालची इंसान ने अपने बेटे की मौत को भी भुला दिया, बकरी और गधे की मौत को भी भुला दिया और फिर सांप का अंडा हासिल करने लगा। फिर एक साल तक वो सांप का अंडा हासिल करता रहा और एक साल के बाद फिर वो सांप बाहर निकला और निकलने के बाद उसकी बीवी को डस लिया। जब उसकी बीवी को डसा तो फिर इसको बहुत परेशानी हुई और बहुत ज़्यादा ये परेशान हुआ। अब इसने सोचा कि इस सांप ने हमारे गधे बकरी को भी डसा, हमारे बेटे को भी डसा और अब हमारी बीवी को भी डस लिया, अब इससे हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन शैतान उससे फिर बहका दिया। फिर शैतान ने उसको बहकाया तो फिर वो सोचने लगा अब तो मेरी बीवी चली गई, अब यह वापस नहीं आएगी, तो अगर हम सांप को मार डालेंगे तो ये अंडा हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, कहीं ये मुझे भी ना डस ले। उसने ये अंडे वाली ख़बर अपने पड़ोसियों को दे दी कि हमारे घर में एक सांप है और उस सांप से हम अंडा हासिल कर रहे हैं, उसने हमारे गधे और बकरी को भी डस लिया और हमारे बेटे को भी डस लिया और आज नौबत ये आई है कि हमारी बीवी को भी डस लिया। तो मोहल्ले और पड़ोस वाले बहुत हैरान हुए कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है, लालची इंसान है, जिस दिन तेरी बकरी को उस सांप ने डसा था तो उसी दिन तुझे मार देना चाहिए था, लेकिन तूने लालच किया, फिर तेरे गधे को भी डस लिया, फिर तूने लालच किया, तेरा बेटा भी मर गया और अब तेरी बीवी भी मर गई, तुझसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान तो अभी तक हमने नहीं देखा। तो उसने कहा अब क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए, फौरन जा और उसको कत्ल कर दे, उस सांप को मार डाल। अब इसने इरादा बना लिया कि ठीक है मैं इसको कत्ल कर दूँगा। फिर एक दिन ये शख्स सांप को मारने के लिए निकला और उसके बिल के पास बैठ गया। जब ये बिल के पास बैठा तो देखा कि वहाँ पर एक चमकता हुआ मोती पड़ा हुआ है। जब इसने मोती को उठाया देखा तो बहुत कीमती, बहुत लाजवाब मोती।
सांप ने उस दिन मोती दिया, उस दिन अंडा नहीं दिया, उस दिन मोती दिया। तो इसने जब मोती को देखा तो फिर इसके दिल में लालच आया कि अब ये सांप लग रहा है इसका जहर भी ख़त्म हो गया और ये अंडा इसका जो देता था वो भी ख़त्म हो गया, अब ये मोती देने लगा है, अब इससे हम और ज़्यादा मालदार हो जाएंगे। अब ये सब मौतों को भूल गया, अपने बेटे, अपनी बीवी, गधे और बकरी की मौत को भूल कर मोती लेकर वापस चला आया। मोहल्ले वालों से कहा मैंने उसको मार दिया। अब ये मोती लेकर बाज़ार में गया तो बहुत कीमती इसका मोती बिका। ये फिर इसके दिल में लालच आ गई। अब इसने अपने तमाम माल को एक जगह इकट्ठा किया और ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और वहीं पर सर रख कर सो गया। सांप बिल के बाहर निकला और इसको डस लिया। जब इसको डसा तो ये चीखा। मोहल्ले वाले आए, कहा क्या हुआ? कहा मुझे उस सांप ने डस लिया। कहा तू तो कह रहा था कि मैंने सांप को मार दिया। तो इसने सारा वाकया बताया कि जब मारने गया था तो मुझे एक मोती मिला तो मैं लालच में आ गया, तो मैंने लालच की वजह से सांप को छोड़ दिया और आज उसकी वजह ये है कि उसने मुझे डस लिया। तो मोहल्ले वाले बोले कि सांप के डसने की वजह से आज तेरी मौत हो रही है और तेरी सांसें चल रही हैं, अब तू बता जो तूने रकम इकट्ठा की है, जमा की है, इसका क्या करेगा? तो उसने वो रकम खुदबाई, वो पैसे निकलवाए और उन मोहल्ले वालों में, रिश्तेदारों में बाँट दिए। तो वो लोग बोले अब देख जो तूने माल जमा किया था ये तू साथ में नहीं ले जा रहा, ये तूने सब यहीं बाँट दिया, अब जो तू अपने साथ लेकर जा रहा है वो नेक अमल अगर तूने किए होंगे तो वो तू साथ में लेकर जाएगा, वरना सब तेरा यहीं धरा रह जाएगा। मोहल्ले वालों ने इतना कहा तो फिर उसकी जान निकल गई और उसका सारा का सारा माल धरा रह गया जो कि मोहल्ले वालों ने और उसके रिश्तेदारों ने आपस में बाँट लिया। तो इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए और नेक अमल करते रहना चाहिए। दौलत कितनी भी कमा लो, नेक जगह खर्च करोगे तो वो दौलत तुम्हारे काम आएगी, और अगर नेक जगह नहीं खर्च करोगे तो वो गले का फंदा बनाकर तुम्हारे गले में डाल दी जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक जगह अपना पैसा खर्च कर